नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बेस्ट ड्रीम इलेवन में। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं अफगानिस्तान और आयरलैंड के बीच खेले जाने वाले T20 मैच का। तो मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह से आपको बेहतरीन न्यूज़ और अच्छी अच्छी टीम आपको सबसे पहले मिल जाए। फिर दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को अफगानिस्तान और आयरलैंड के बीच खेले जाने वाले मैच का प्रोबेबल प्लेइंग 11 साथ साथ इसका ड्रीम 11 टीम में डिस्कस करने वाला हूँ, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें और बीच में स्किप ना करें। चलिए दोस्तों देखते हैं इन दोनों का प्रोबेबल प्लेइंग 11 किस तरह होगा। दोस्तों आयरलैंड का प्रोबेबल प्लेइंग 11 इस तरह होगा। दोस्तों ओपनिंग कर देखेंगे पॉल स्टर्लिंग, उनके साथ जेम्स सेनन। पॉल स्टर्लिंग बहुत ही बेस्ट बैट्समैन है आयरलैंड टीम का और ये काफ़ी अच्छे फॉर्म में भी, इन्होंने काउंटी इंग्लैंड काउंटी में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। फर्स्ट रन देखेंगे आपको विलियम पोटर, फिर उनके बाद एंडी बैलब्रीन, उसके बाद गैरी विल्सन, केविन ओब्रायन जो कि इनके टीम के बेस्ट ऑलराउंडर है, और सिमी सिंह भी इनके टीम के बहुत बेस्ट ऑलराउंडर है। दोस्तों आप इन दोनों को जरूर से जरूर अपने टीम में पिक करिएगा। उनके बाद स्टुअर्ट थॉम्सन जो डॉकरल बॉयड रैंकिंग पीटर चेस ये रहने वाला है दोस्तों आयरलैंड का प्रोबेबल प्लेइंग 11। चलिए बात करते हैं अफगानिस्तान टीम की प्रोबेबल प्लेइंग 11 का। तो दोस्तों अफगानिस्तान की तरफ से आपको ओपनिंग का देखेंगे मोहम्मद सजा जो कि एक बहुत ही विस्फोटक बैट्समैन है, और अगर ये 10 ओवर भी रह गए तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा फ़ायदेमंद हो सकता है, इसलिए मैं इन्हें नहीं चुनना चाहता था। उनके बाद उस्मान घनी, अजगर शनिक जई, समीउल्ला सिनवाड़ी, मोहम्मद नबी, नजीबुल्ला जदरान, शफीकुल्ला शफीक, रशीद खान, मुजीबुर रहमान, ए आलम, और यहाँ दोस्तों एफ अहमद और अशरफ में से कोई एक खेलने वाला है। मुझे इन दोनों के बारे में तक कंफर्मेशन नहीं मिल पाया है कि कौन खेलेंगे और कौन नहीं खेलेंगे दोस्तों, ये लिए इसलिए ये दोनों हमारे लिए रिस्की रहने वाले हैं। आपने ड्रीम इलेवन टीम में इग्नोर ही करिएगा तो बेटर रहेगा। दोस्तों चलिए बात करते हैं ड्रीम इलेवन टीम के बारे में। दोस्तों विकेट कीपिंग सेक्शन में तो आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, मोहम्मद सजाद और गैरी विल्सन, ये दोनों ही आज का मैच खेलने वाले हैं। मैं मोहम्मद सजाद के साथ जा रहा हूँ क्योंकि इनके बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा कि किस तरह का बैट्समैन है, ये ज़बरदस्त बैट्समैन है और ये बहुत ही विस्फोटक बैट्समैन है। बात की जाए वहीं गैरी विल्सन की तो गैरी विल्सन भी एक अच्छे बैट्समैन है और ये आपके सेकेंड रन या थर्ड रन आपको बैटिंग कर दिखेंगे और मोहम्मद सजाद आपको ओपनिंग कर देंगे, इसलिए मैं इन्हें ले रहा हूँ क्योंकि ये ओपनिंग करेंगे। और अच्छा अगर ये 10 ओवर भी अच्छे तरीके से खेल गए और हमारे लिए 30-40 रन भी कर देते हैं तो हमारे लिए बेस्ट रहने वाला है। दोस्तों चलिए बात करते हैं बैटिंग सेक्शन की। तो बैटिंग सेक्शन में आपके लिए बेस्ट रहने वाला है पॉल स्टर्लिंग, असगर स्टर्लिंग जई, एंडी बैलब्रीन, और यहाँ से मैं एक रिक्स जेम्स सेनन के साथ ले रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि जेम्स सेनन जब इंडिया गए थी आयरलैंड तो जेम्स सेनन ने बहुत अच्छी बैटिंग करी थी और मुझे भी लगता है कि इस मैच में भी अच्छे बैटिंग करने वाले हैं दोस्तों, इसलिए मैं जेम्स सेनन को ले रहा हूँ। चलिए बात करता हूँ इसमें कुछ सेफेस्ट ऑप्शन की। दोस्तों यहाँ से विलियम पोटरफील्ड आपके लिए बेस्ट रहने वाला है, नजीबुल्ला जदरान थोड़े नीचे आते हैं बैटिंग के लिए इसलिए मैं इन्हें ज़्यादा सजेस्ट नहीं करता हूँ। उसके बाद उस्मान घनी आपको ओपनिंग कर देंगे, आप इन्हें ले सकते हैं। शफीकुल्ला शफीक भी बहुत नीचे आते हैं बट ये भी सेफ रहने वाले हैं और ये भी कल का मैच खेल सकते हैं। दोस्तों यहाँ से हजरतुल्ला जजाई कल का मैच नहीं खेलने, आज का मैच नहीं खेलने हैं दोस्तों, आप इन्हें पिक मत करिएगा, आपके लिए रिस्की है। चलिए बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन की। दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन में आपके लिए बेस्ट रहने वाला है मोहम्मद नबी, सिमी सिंह और समीउल्ला सिनवाड़ी। दोस्तों मैं इन तीन ऑलराउंडर के साथ जा रहा हूँ, आपको सबसे बेस्ट ऑलराउंडर रहने वाला है केविन ओब्रायन दोस्तों, बट मैं क्रेडिट की वजह से इन्हें छोड़ रहा हूँ, आप चाहे तो किसी तरह से क्रेडिट मैंने करके ले सकते हैं। अगर यहाँ से आप पॉल स्टर्लिंग को हटा देते हैं उसके बाद यहाँ से समीउल्ला सिनवाड़ी की जगह केविन ओब्रायन को लेकर यहाँ से आप उस्मान घनी को या फिर नजीबुल्ला जदरान को लेकर आप इस तरह से आप टीम मैनेज कर सकते हैं, बट मैं एक अच्छा प्लेयर को नहीं मिस करना चाहता था क्योंकि ये ओपनिंग करने वाले हैं दोस्तों, इसलिए मैं पॉल स्टर्लिंग के साथ जा रहा हूँ क्योंकि बेस्ट बैट्समैन है और ये काउंटी में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, इसलिए मैं इन्हें साथ जा रहा हूँ। चलिए बात कर लेते हैं ऑलराउंडर बॉलिंग सेक्शन की। दोस्तों तो बॉलिंग सेक्शन में आपके लिए बेस्ट रहने वाला है दोस्तों यहाँ से राशिद खान और मुजीबुर रहमान, पीटर चेस, तो ये तीन आपके लिए सबसे बेस्ट रहने वाला है। इन तीनों को आप जरूर पिक करें क्योंकि पीटर चेस आयरलैंड का बेस्ट बॉलरों में से एक है और आप इन्हें कतई ना छोड़े, हमारे लिए मस्ट पिक रहने वाला है। मुजीबुर रहमान, राशिद खान अफगानिस्तान के बहुत ही बढ़िया बॉलर है और ये काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करते हैं प्रत्येक मैच में और मुझे लगता है इस मैच में अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं दोस्तों। चलिए बात कर लेते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की। तो कैप्टन मैं यहाँ से रखने वाला हूँ पॉल स्टर्लिंग को, वाइस कैप्टन मोहम्मद नबी, क्योंकि पॉल स्टर्लिंग बहुत ही अच्छी फॉर्म में है और वो ओपनिंग करने आएंगे और इसलिए मैं उन्हीं के साथ जा रहा हूँ, और आप चाहे तो यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ से कैप्टन आप राशिद खान आपके लिए सबसे बेस्ट रहेंगे, इन दोनों के बाद आप इन्हें कैप्टन बना सकते हैं, वाइस कैप्टन मोहम्मद नबी, इस तरह से आप कुछ कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं। तो कैप्टन वाइस कैप्टन अपने हिसाब से बना लीजिए क्योंकि सबका लक अलग अलग होता है और किसी दिन भी कोई प्लेयर चल सकता है दोस्तों। चलिए बात करते हैं इनके प्रीव्यू का। कैप्टन वाइस कैप्टन सबसे बेस्ट रहने वाला दोस्तों इन दोनों के बाद आपके लिए राशिद खान, उनके बाद मुजीबुर रहमान, सिमी सिंह, जेम्स सेनन को आप ट्रेंडिंग में रिक्स ले सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन बैट्समैन है दोस्तों, और आपके लिए सबसे बेस्ट रहेंगे मोहम्मद सजाद। इन पांचों को दोस्तों आप जरूर से जरूर ट्राई करिएगा
और कैप्टन वाइस कैप्टन, जो कि आपके लिए कुछ अच्छे विकल्प है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।